आर सोनी न्यूज खबर आपकी। धर्मनगरी योद्धा और परिक्रमा मार्ग के बीच सरस सिल्ला सरयू के तट से सटे 200 हेक्टेयर भूमि में 4 किलोमीटर लंबी भगवती माता सीताराम के नाम से झील का निर्माण किया जाएगा। जयोग यह जानकारी देते हुए प्रदेश की नदियों और जलसीयू अनुसारण कमेटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने इस झील में सरयू के अलावा जलधारा प्रवाहित रहेगी, जो अयोध्या आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट से कहा गया है कि एक महीने में बालू जो बंधे किनारे इकट्ठा किए हैं वो हटा दें, और क्योंकि बिना एनवायरनमेंट क्लियरेंस के वहाँ खुदाई किए थे उसके ऊपर 25 लाख हमने वो रिकमेंड किया है कि उनके 25 लाख कंपनसेशन एनवायरनमेंट का लगा देना, जुर्माना करेगा, जुर्माना। आप किसको? इरिगेशन डिपार्टमेंट। नहीं नहीं, इरीगेशन विभाग ने, फ्लड डिवीज़न ने वहाँ बालू खुदाई की है ना, अरे जो बंधा देखे हैं उसके उस पर बालू गा जाए 3-4 किलोमीटर सिंचाई विभाग का है। हाँ, लेकिन कार्रवाई संस्था दूसरी है, इससे मतलब नहीं करवाते ही रहेगा। फ्लड डिवीज़न ठेकेदार कोई हो, इनको कहा गया कि एक महीने में हटा दो। नगर निगम को कहा है 4 महीने में सीता लेक का सब हटा लें, वो जितनी वहाँ कूड़ा है, ठीक है, अगर नहीं हटाते तो इनके ऊपर 50 लाख रुपया एनवायरनमेंट कंपनसेशन लगेगा, देना पड़ेगा इनको। अगर हटा लेते नहीं, हटा ले नहीं दे तब 50 लाख इनके ऊपर एनवायरनमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये लगा। 4 महीने से लगेगा। और तीसरा ये कहा है, खसरा नंबर 57-58 जो सीता लेक वाला एरिया है ना, जो बनाए हुए हैं 57-58, हाँ खसरा नंबर, इनको कहा है उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और 3 महीने में सारे इंक्रोचमेंट हटाएं, और इसका कोई नक्शा नहीं पास करेंगे घर बनाने के लिए। इंक्रोचमेंट किया है, पहली अगस्त 2018 से उनके ऊपर, अगर वो खाली नहीं करते तो 5,000 रुपया प्रतिदिन उनसे तो फाइन वसूला जाए कंपनसेशन। पहली अगस्त 2018 से, हाँ 2018 तो 3 महीने के अंदर खाली करते हैं, 3 महीना अगर नहीं खाली करते हैं उस ज़मीन को, तो इनसे पहली अगस्त 2018 से 5,000 रुपया पर डे इन्वायरमेंट कंपनसेशन लगेगा मिनिमम, कम से कम। और ये अपनी रिपोर्ट देंगे उनको, सेंट्रल पंचायत बोर्ड को कलेक्टर बनाएंगे रिपोर्ट, कौन कौन सेंट्रल पंचायत कंट्रोल बोर्ड है वो पंचायत की रिपोर्ट बनाएंगे, डीएम अयोध्या डीएम अयोध्या या जो इलाहाबाद डेवलपमेंट पार्टी, अयोध्या डेवलपमेंट पार्टी का नाम है, ये रिपोर्ट बना के देंगे, और उस रिपोर्ट के ऊपर अगर कोई ज़्यादा लंबा कब्जा किया उसके ऊपर ज़्यादा कंपनसेशन लगेगा, और ये असेस करेंगे सेंट्रल बोर्ड वाले, सेंट्रल बोर्ड, हाँ वही है, हमारा नहीं है। प्लांटेशन करेगा सीता लेक के चारों तरफ, ठीक है, ज़मीन को जो 4 किलोमीटर लंबा है वेट लाइन उसको मेंटेन के वहाँ पूरी ज़मीन को जैसे रेवन्यू रिकॉर्ड में जो एंट्री है, जैसे कि रेवन्यू रिकॉर्ड में एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ है, समझ लीजिए धोखाधड़ी। रेवन्यू रिकॉर्ड में आज भी ये पूरी ज़मीन पानी जलमग्न लिखा है आज भी, हाँ, और इस पर कैसे बिल्डिंग बन गई बताइए, नहीं बन सकती। और जहाँ जलमग्न एरिया है उसको कोई व्यक्ति, उसको किसी का हो नहीं सकता, वो ज़मीन ग्राम सभा आज और सरकार की होती है जलमग्न एरिया।
तो ये कहीं फ्रॉड किया गया, हमने कलेक्टर से कहा इंक्वायरी करें, इस पर जाँच करें, जाँच करके सबके नाम दें डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और वहाँ अरे भाई इनको चाय कर दो बुलाओ और आगे कार्रवाई करें, सबको निकाल लार मोहम्मद सफीउल्लाह को हमने कहा कि एक स्पेशल एंट्री दें, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, पुराने रिकॉर्ड ढूंढ के कमेटी को इन्होंने दिया है, तो ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। सफीउल्लाह, सफी